ओम गंग गणपते नमः। वृषभ राशि वालों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वृषभ राशि वालों के लिए 8 सितंबर से 14 सितंबर यानी कि सितंबर माह का दूसरा सप्ताह रहेगा। साप्ताहिक राशि पर वृषभ राशि वालों का 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि वृषभ राशि वालों इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी, आपकी लव लाइफ किस प्रकार रहेगी, आपका करियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, हर विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी हैं जिस उपाय को करने से इस हफ्ते का अधिक लाभ आपको मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आगे शुरू करें वीडियो को, सबसे पहले तो लाइक करना, जय श्री गणेश जरूर लिखना कमेंट्स बॉक्स में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार का राशिफल आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वृषभ राशि वालों का किस प्रकार दूसरा सप्ताह रहेगा बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो वृषभ राशि वालों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये जो सप्ताह है चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, निजात मिल जाएगी इस समय। सबसे पहले तो ये जान लें क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, पिछले कुछ समय से जिन भी कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी उनके निवारण होने का समय आ गया है। एकाग्रता से उन सभी कार्यों पर कार्य करें, लाभ मिलेगा, वह कार्य सफल होगा। और पिछले कुछ समय से आपने जो भी जिस क्षेत्र में मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आपका लक्ष्य है, आप ये करना चाहते हैं, वह आपको हासिल करने के लिए शुभ समय है। अपने लक्ष्य को हासिल करने का आपकी योग्यता व काबिलियत खुलकर लोगों के सामने आने वाली है वृषभ राशि वालों। इस समय संतान से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से तनाव मुक्त आप महसूस करेंगे और किसी धार्मिक कार्य की भी आयोजन घर परिवार में बनेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व इसने घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा। आपकी मेहनत इस समय रंग लाएगी जिससे आप में आत्मविश्वास व ऊर्जा बढ़ेगी। बताना चाहेंगे कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। उन लोगों के लिए समय बड़ा अच्छा है जिन्होंने कहीं पैसा उधार दिया है या कहीं अटका हुआ है पैसा, वह मिलेगा आपको इस समय, ये ध्यान रखें आप। आपके थोड़े प्रयास से ही आपको पैसा मिल जाएगा और साथ ही साथ किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, उसकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उधार भी देने से बचे अन्यथा पैसा फंस सकता है। इस समय उधार तो बिल्कुल ना दे किसी को और अपने क्रोध व उत्तेजना पर थोड़ा काबू रखें। यह स्वभाव जो है बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है और आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं आपके गुस्सेले स्वभाव से। इस पे थोड़ा संयम रखें। और कुछ समय ऐसा भी होगा आप प्रयास करेंगे परंतु सफलता आपको नहीं मिलेगी, तो निराश नहीं होना, पुनः प्रयास करें, सफलता आपको मिलेगी। समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा परंतु देखा जाए तो अधिक लाभ ही है। वैसे वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह अधिक लाभ ही मिलेगा आपको, ये समझिए। बड़ा अच्छा समय है, समय का लाभ किस प्रकार उठाना है वे आपके हाथ में है। और साथ ही साथ प्रेम जीवन पर चर्चा करें यानी कि आपकी लव लाइफ की, तो वैवाहिक संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी, पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। पति पत्नी के संबंधों में सुधार आएगा, यदि कोई अनबन चल रही है वह दूर होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, कहीं बाहर घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं, पिकनिक स्पॉट पर या फिर धार्मिक स्थान पर घर परिवार के लोगों के साथ। समय बड़ा खुशनुमा रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह से संबंधित कुछ योग आ सकते हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं विवाह के, और निसंतान दाम्पत्य को संतान प्राप्ति का भी सुख प्राप्त होगा। किलकारियां गूंजेंगी घर परिवार में, संतान प्राप्ति से संबंधित खुशियों की सौगात आने वाली है। समय खुशियों भरा है, अच्छा समय व्यतीत करें, बहुत अच्छा समय प्रेम संबंधों के लिए भी। बात अगर आपके बिजनेस व्यापार की करें, आपका करियर, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक स्थिति पर चर्चा करें, तो सबसे पहले बिजनेस व्यापार, तो यह जो समय है अभी व्यवसाय जो है थोड़ा मंद रहेगा आपका। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन के अनुसार, मेहनत के अनुसार
उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे इस सप्ताह, परंतु कुछ ऐसा भी होगा, धन का आगमन तो निरंतर रहेगा परंतु व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। निराश नहीं होना, तीसरा सप्ताह फिर आपके लिए खुशियों भरा आने वाला है और उन लोगों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा जो लोग नया बिजनेस व्यापार आदि की विचार बना रहे हैं, उनके लिए तो समय बड़ा अच्छा है, वे नया बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं, बशर्ते उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो। किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें बिजनेस व्यापार शुरू करने से पहले। और जिन लोगों के खान पान से जुड़े व्यवसाय हैं, गारमेंट्स, कला जगह, सौंदर्य प्रसाधन, गारमेंट्स, ऑनलाइन सोशल मीडिया, शेयर बाजार आदि से जुड़े जो भी कर रहे हैं, बड़े मुनाफे की स्थिति में दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा है आपके लिए धन लाभ प्राप्ति से संबंधित, और यह समय उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा जो लोग विदेश जाकर नौकरी, शिक्षा पर बिजनेस व्यापार की सोच रहे हैं। किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित इस समय आपको विदेश जाना पड़ सकता है, ऐसे योग दिख रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जो साझेदारी में बिजनेस चल रहा है उसमें ज्यादातर अपने आप को शामिल जरूर करें। यदि आप किसी के साथ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें शामिल जरूर करें, अन्यथा कुछ धोखा हो सकता है आपके, षड्यंत्र हो सकता है आपके खिलाफ। अच्छा, आपको समय के अनुसार ढालना है अपने आप को और समय के अनुसार ही आपको चलना है, जब ही आपको समय का लाभ मिल सकता है। और वृषभ राशि वालों, अब बात विद्यार्थियों की करें, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, अच्छे कॉलेज में आपको दाखिला मिलने के भी योग हैं। जो कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी अच्छा समय है, विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए समय बड़ा अच्छा है। कैरियर से कोई समझौता नहीं करना, पढ़ाई के प्रति ध्यान देना है आपको। और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय किस प्रकार रहेगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में उचित परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, बॉस, उच्च अधिकारी उनके काम की प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे, और आपको जो भी काम दिया जाएगा वह समय पर पूर्ण होगा, टारगेट जो दिए जाएंगे आप सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे और इससे आपका औहदा बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी आपकी, चर्चा होगी आपकी, आपके नाम का यूं कहें डंका बजेगा, इतना अच्छा समय है। आने वाले समय में फिर आपको आप जब से अपना और 100% देंगे, प्रमोशन इत्यादि के भी योग बन जाएंगे, ऐसा भी समय आएगा। और वृषभ राशि वालों, उनके लिए भी समय अच्छा है जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, काफी समय से नौकरी की तलाश है परंतु नहीं मिल रही, यह सपना पूर्ण होगा, इस समय नौकरी पूर्ण रूप से आपको मिलेगी और मन के अनुसार मिलेगी, अच्छा समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जाएगा, और जो लोग नौकरी नहीं लग पा रही है नौकरी की तलाश में, उनको भी नौकरी मिलेगी, प्रयासरत रहे, इस समय आपको एक अच्छे अवसर जरूर प्रदान करेगा, समय का लाभ आपको उठाना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम दिखेगा परंतु ज्यादा तनाव लेने से बचें, कुछ दिमागी थकान महसूस होगी इसलिए समय समय पर आराम भी करें, सकारात्मक सोच रखें, नियमित योग प्राणायाम जरूर करें सुबह, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और संयमित खान पान रखें, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात करें तो वृषभ राशि वालों, उपाय आपके लिए छोटा सा उपाय यह है, ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करना 21 बार प्रतिदिन, लाभ मिलेगा, भगवान गणेश कृपा बरसेंगे, क्योंकि यह समय जो है गणपति पापा मोरिया से संबंधित समय है, कुछ समय बाद गणेश विसर्जन चतुर्थी, ये सभी तो गणेश महोत्सव का समय है, भगवान गणेश का स्मरण करें, लाभ मिल जाएगा, समय का लाभ उठाएं आप। तो आशा करते हैं भगवान गणेश की कृपा से यह समय आपके लिए अच्छा जाए, शुभ मंगलकारी जाए, इसी कामना के साथ वीडियो को विराम देते हैं, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जय श्री गणेश, धन्यवाद।